वीडियो नंबर 4, हाउ टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ 3x3 ऑर्डर। पहले दोस्तों हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके बाद अपना शुरुआत करेंगे। केवल 4 मिनट का वीडियो, वीडियो को पूरा देखिए। यहाँ पे देखिए आपका मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं, इस चिन्ह के द्वारा लिखते हैं। डिटरमिनेंट को ऐसे लिखा जाता है, और इसके अलावा डिटरमिनेंट को हम दोस्तों अपना डेल्टा सिंबल से भी शो करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 3x3 क्यों लिखा है, इसकी भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला पोजिशन आपका बताता है नंबर ऑफ रोज को, सेकेंड पोजीशन बताता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। देखिए रो किसे कहते हैं, यहाँ पे ये जो आड़ी लाइनें हैं इनको हम रो कहते हैं। 1, 2, 3, यहाँ पे 3 रो है, और रो को हम लिखते हैं R1, R2 एंड R3 के द्वारा। ये जो खड़ी लाइनें हैं इनको हम कहते हैं कॉलम। 1, 2, 3, 3 कॉलम है तो क्या बन गया, 3x3। ओके, इन कॉलम को लिखते हैं C1, C2 एंड C3 के द्वारा है जो हम अपना कॉलम को लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अपना इसका कैलकुलेशन की बात करते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करना है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे आप एक छोटी सी ट्रिक को याद रखिए। अभी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उस ट्रिक को आप एक बार समझ लो, उसके बाद आपके लिए डिटरमिनेंट निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रिक देखिए कुछ ऐसी रहेगी आपका, यहाँ पर हम प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इन चिन्ह को फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ। देखिए आप स्वतंत्र है R2, R3, C1, C2, C3, इनमें से किसी के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर सकते हैं। मैं R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लो, बाकी सब इसी तरीके से होगा। R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर देखिए R1 ये रहा दोस्तों आपका R1, यहाँ पे कौन है 0, इसके साथ लिखेंगे हम डिटरमिनेंट। बीच में कौन है 1, इसके साथ लिखेंगे डिटरमिनेंट। लास्ट कौन है देखो 2, इसके साथ लिखेंगे हम डिटरमिनेंट। इनके साथ चिन्ह क्या आएगा, ये चिन्ह हम दोस्तों यहाँ से लेंगे, ठीक है। ये देखो R1 है, इसमें तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आया है, बीच में माइनस चिन्ह, और फिर यहाँ पर आपका प्लस चिन्ह। अब इस डिटरमिनेंट में क्या लिखते हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपसे मैंने पूछा कि 0 कहाँ पर है, इसमें 0 की पोजीशन बताओ, तो आप क्या कहेंगे कि 0 R1 में तथा C1 में आता है। देखो इसका पोजीशन कहाँ पे, जहाँ R1 और C1 एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहाँ पे क्या है, 0 है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को हटा देना है जिनमें ये आपका आता है ना, जैसे R1 और C1 में, तो इनको हटा दिया, पीछे जो बचे हैं वो इसमें आएंगे। कौन बचा है, 0 माइनस 3, 3 0, ठीक इसी तरीके से 1 के लिए इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, कौन बचा -1 -2 -3 0, 2 के लिए इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, बचा कौन -1 -2 0 3। अब देखो ये आपका एक 2x2 ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है। कैसे हुआ देखो, 2x2 ऑर्डर का 1 2, आपकी 2 रो है, 1 2 2 कॉलम है, तो 2x2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। इसका वैल्यू निकालना आप जानते होंगे दोस्तों, कैसे निकाला जाता है, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनका मल्टीप्लाई, और इनका जो भी वैल्यू आएगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए 0 के साथ हम किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उससे क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो ये तो 0 हो गया, यहाँ पर इसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, -1 मल्टीप्लाई 0 0, इनका मल्टीप्लाई माइनस करना है, तो -2 मल्टीप्लाई -3। देखिए गणित में माइनस मल्टीप्लाई माइनस आपका प्लस हो जाता है, 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 6, यानी कितना आ गया 6। और ये माइनस चिन्ह तो दोस्तों किसकी वजह से आया, आपका इसकी प्रॉपर्टी वजह से। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये समझते हैं दोबारा एकदम अच्छे से, इनका मल्टीप्लाई किया -1 मल्टीप्लाई 3 कितना, -3 आ गया, माइनस करना है इनका मल्टीप्लाई, इनका मल्टीप्लाई कितना आ गया, -2 मल्टीप्लाई 0 आपका 0। ओके समझ आ गया, मतलब इनका मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद माइनस इनका मल्टीप्लाई करना। तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, प्लस का 6, वो यहाँ लिखना है माइनस चिन्ह के बाद, ऐसा समझ लो। अब देखो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 0 माइनस 6 माइनस 6 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। चलिए एक स्टेप कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 माइनस माइनस प्लस आ गया, यानी प्लस का 6, ये माइनस प्लस माइनस, गणित में प्लस माइनस आपका माइनस होता है। 2 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, 6 6 माइनस 6 आपका 0 आ गया। फाइनल आंसर कितना निकला दोस्तों इसका, आपका
जीरो निकल कर आया है। तो इस तरीके से हम दोस्तों अपना डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर बताएं, चैनल सब्सक्राइब करें।